सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर प्रिय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, प्राचीनंद चैनल रो आज संध्यार भागवत चर्चा को पुणी आपण मानू आउ थ स्वागत जनाए आरंभ करवा। आज संध्यार भागवत चर्चार कौन अच्छा मु गोटे छोट प्रयास रे आरंभ करुच्ची भागवत चर्चा को। समस्ते तो पढ़ुं सुंदर सरल भाव आपण मानक आउ टे सरल हम से श्रीमद भागवत महापुराण सरल एवं भावोद्दीपक गद्यानुवाद को आपण मानक पाखे पढ़ुची आपण मैंने शुणु। आम पूर्व अध्याय शुणी चतुर्थ स्कंदर द्वितीय स्कंदर चतुर्थ अध्याय जे भगवान रूप गुण सब वर्णना करुले भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित आगे एवं पंचम स्कंद आरंभ हुए। पंचम अध्याय द्वितीय स्कंदर पंचम अध्याय कौन अच्छा आम ये जानवा आसतु शुणा। पंचम अध्याय सृष्टि वर्णन। देवर्षि नारद कहले, हे पितृ महोदय, आपण केवल मोर नुहे समस्त पिता समस्त देवता मध्य श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता अटंती। आपण को मोर प्रणाम। मत एपर ज्ञान प्रदान करतु जहाद्वारा अमृत तत्वर साक्षात्कार हो जाए। यही संसार लक्षण कौन, यार आधार किए, यार निर्माण किए कर अंत कहटे हुए, प्रकृतर ए सृष्टि कौन, आप तत्व विषय मत कहतु। आपण तो ये सब कथा जाणी जहाँ कि पुणी जहाँ सब तहार मालिक तो आपण ही अटंती। हाथ चकी जाए अँला फलटी निजर संपूर्ण दृष्टिगोचर को आसुवा भाई यह सारा संसार आपण ज्ञान दृष्टि अंतर्गत एत। हे पितृदेव, आपण को यही ज्ञान केउठार मिलला, आपण केउ आधार उपर स्थित अटंती, आपणकर स्वामी तथा मालिक किए, पुणी आपणकर स्वरूप कौन, आपण एकुटिया निज माया द्वारा पंचभूत समस्त प्राणी को सृष्टि कर देउछंदी, यह केड़े अद्भुत अटे। बुढ़ियाणीटे अन्यासरे निज देहर बाहर करितिबा सूतारे जाल तयारी करी सेथिरे खेल तथा बास करिबा भली आपण निज शक्तिर आश्रय रे जीव मानक निज ठार उत्पन्न करी मध्य सेथिरे किछि विकार अनुभव करुनांदे। जगत रे नाम रूप और गुण बोली जहाँ किछि जणा जाउछि सेथिरे सत असत उत्तम मध्यम और अधम वस्तु एपरी कौनसीटी को देखा पाऊना जहाँकि आपण व्यतीत अन्य काठार उत्पत्ति होती समस्त ईश्वर हो आपण एकाग्र चित्तरे तपस्या करेणु मोर शंका हो आपण श्रेष्ठ आई अच्छा ना कौन आपण सर्वज्ञ और सर्वेश्वर अटंती तेणु मुझे पचारूँ ता सब कृपा कर मत बुझाई कहतु जहाद्वारा मु सबकि ठीक रूपे बुझीपरि। ब्रह्मदेव कहले, हे पुत्र नारद, तुम्हें जीवन प्रति दयाभाव भरा हुई अति सुंदर प्रश्न पचारिछद्वारा ठाकुर गुण कला सब कह मत प्रेरणा मिलू। तुम्हें मो विषय जहाँ सब कह सत्य असत्य नुहे कारण मो पर तत्व जहाँ स्वयं भगवान ही अटंती ताणा पर्यंत केवल मोर एपरी प्रभाव प्रतीत होता है। सूर्य अग्नि चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सबू तांकरी प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो जगत को तेज विकिरण कला भली मु मध्य स्वयं प्रकाश भगवान चिन्मय प्रकाश द्वारा प्रकटित हो संसार को प्रकाशित कर चलती से ही भगवान को मु वंदना करने ध्यान करुच्ची
जहाँ दुर्जय माय द्वारा मोहित हो लोके मते जगतगुरु बोली कहती जो माय से भगवान चक्षु सामने तिष्ठि पारे ना तहारी द्वारा अज्ञानी जन मोहित हो यह मु अटे एवं ए सब मोर बोली था हे ब्राह्मण द्रव्य कर्म काल स्वभाव ओ जीव ए सब प्रकृत रे से भगवान व्यतीत अन्य किछि नुहे वेद नारायण परायण अटे देवता मने मध्य से ही नारायण अंगरु कल्पित होइछन्दि ए समस्त यज्ञ ए नारायण अंगरु प्रकट ए समस्त यज्ञ भी नारायण प्रसन्नता पई होइथाय पुणि से यज्ञ द्वारा जेउ जेउ लोक तथा पूरा प्राप्ति हुए से सबु प्राप्ति से सब मध्य से ही नारायण गच्छित अच्छी समस्त प्रकार योग नारायण प्राप्तिर हेतु अटे सब तपस्या से ही नारायण आड़कू ही नहीं था ज्ञान द्वारा नारायण जना जाए था आ समस्त साध्य और साधनार पर्यवसान से ही नारायण नारे ही हुई था से ही द्रष्टा ईश्वर तथा स्वामी अटंती निर्विकार होई भी सर्वस्वरूप अटंती से ही मते बनाइछंदी और तांकरी सृष्टि द्वारा मु प्रेरित होई तांकरी इच्छानुसार सृष्टि रचना करे भगवान मायाधारी होई मध्य से मायार गुण रहित अटंती सृष्टि स्थिति प्रलय निमित्त से ही माया द्वारा रजगुण सत्वगुण और तमगुण तांकरी ठारे स्वीकृत होइअछि मायार यही तीन गुण द्रव्य ज्ञान और क्रियार आश्रय मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को मध्य कार्य कारण और कर्तापनर अभिमान सह बांधि दिए हे नारद इंद्रियातीत भगवान गुणर ए तीन आवरण द्वारा निज स्वरूप को भल भाव ढांकी दिंती जहाद्वारा लोके जापारती ना सारा संसार एकमात्र स्वामी से ही अटंती मायापति भगवान एक रु बहुत हेबार इच्छा पोषण करी माया शक्ति द्वारा निज स्वरूप काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने ले शक्ति द्वारा ही काल तीन गुण से क्षोभजात कला और स्वभाव से सब को रूपांतरित कला एवं कर्म तह महतत्व को जन्म देला रज गुण और सत्य गुण से बुद्धि हेबा द्वारा महतत्वर जो विकार जत है ताद्वारा ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान है ता अहंकार नाम नामित पुणी ता विकृत हो वैकारिक तैजस और तामस रूप से तीन प्रकार हो क्रमान्वय ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान परिणत होता पंच महाभूतर कारण क्रूर कारण रूप तामस अहंकार विकृत होबार हेलारु तहिरो शून्य तथा आकाश उत्पत्ति हेला तासह से आकाशर गुण बा तन्मात्रा शब्दर उत्पत्ति हेला से ही शब्द द्वारा द्रष्टा दृश्यर बोध हुए आकाशर विकार जात हेबारु वायुर उत्पत्ति हेबा सह तार गुण स्पर्श अनुभव को आसिला आ से वायु आकाश ठारु उत्पत्ति होइथिबारु ताठारे आकाश रे गुण शब्द मध्य प्रकाशित हुए इंद्रिय सबुरे स्फूर्ति शरीर रे जीवनी शक्ति ओज बल से ही वायुर कार्य अटे काल कर्म और स्वभाव द्वारा वायु रे विकार जात हुई तेज तथा अग्निर उत्पत्ति हेला तार प्रधान गुण रूप अटे ए आकाशर शब्द गुण वायुर स्पर्श गुण मध्य सेथिरे थाए हे बंधु प्रभु आज एठी विराम नियंतु आमे आउ गोटे भागरे आउ थरे आपण मानंगु स्वागत जणे आउ थरे आरंभ करबा एही भागवत पंचम अध्याय को द्वितीय स्कंदर पंचम अध्याय आज पई आपण मानंगु ठारु भगवानंग ठारु आज पई विदा नै रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।